नहीं आता, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता उसका मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ टूल्स को सीखे और टूल्स को सीखने के बाद आपको डिजाइन कैसे करना उसका कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है। अगर आपको बताऊं विंड एनालिसिस, आपको विंड एनालिसिस मुझे स्टैटप्रो में आता है, बट वो मैनुअल कैसे होता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इंटेंसिटी क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, बेसिक विंड स्पीड क्या होता है, ये सब चीजें आपको नहीं पता होती है। सिस्मिक एनालिसिस आपको पता है, बट मैं पूछूंगा कि सिस्मिक के जोन कितने हैं, जोन के फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर के मतलब क्या होते हैं, इन सब के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप नहीं बता पाओगे। आपको जो मैं पूछूंगा कि सियर वॉल की डिजाइन कैसे करते हैं, तो आप बता दो कि स्टैटप्रो में इस तरीके से प्लेट लगाते हैं, प्लेट लगा के उस पर रोड लगा देते हैं, बट मैं पूछूं सियर वॉल के टाइप्स बताओ तो आपको नहीं पता होता है। आपको पता है कि कैसे स्ट्रक्चर की एनालिसिस करना है, यानी आरसीसी के स्टेप्स तो याद है आपको। जब मैं पूछता हूं आपसे कि इसमें कॉलम का साइज क्या रखेंगे, बीम का साइज रखेंगे, क्या का थंब रूल क्या होता है, आपको नहीं पता होता है। तो दोस्तों ये सब टॉपिक्स आपके क्लियर हो, सारे कॉन्फिडेंस क्लियर हो आपकी, मतलब एकदम प्रॉपर आपको यहां पर लग जाए कि नहीं यार मुझे स्टैटप्रो आ चुका है, इसके लिए मैं इस लेवल का कोर्स लेके आपके सामने आया हूं, जिसमें हम लोग 4 टाइप्स के प्रैक्टिकल बिल्डिंग करेंगे, कौन कौन से, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग, पूरे इस कोर्स में हम लोग करने वाले। और साथ ही साथ ना केवल स्टैटप्रो पे, ये केवल प्रोजेक्ट्स, इसके साथ इसके बैकग्राउंड में जो मैनुअल्स लगेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। एक कंप्लीट कंपनी अगर आप खोलना चाहते हो, पूरा स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, एमईपी और उसमें सारे काम करना चाहते हो, तो किस तरीके से करोगे वो भी मैं इस पर डिस्कस करता हूं कि कंप्लीट अगर आपकी खुद की कंपनी है, खुद का प्रोजेक्ट है, तो कैसे कंप्लीट करोगे, ये सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। मैं इस वीडियो में सोचूं कि मैं सारा टॉपिक डिस्कस कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर जानना चाहते हो कि क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे कैसे है, मुझे व्हाट्सएप करो और 9792621121 पे, और साथ ही साथ मैं आपको सिलेबस भेजता हूं, आप सिलेबस को देखिए। और ये 8 मई से आपकी न्यू बैच लॉन्च हो रही है स्टैटप्रो की, 8 मई यानी अपकमिंग फ्राइडे को बैच लॉन्च हो रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 15 सीट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जल्दी से जल्दी उसको बुक कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे सर मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि लास्ट टाइम लगभग 7 से 8 लोग नहीं कर पाए थे कोर्स को। दोस्तों मैंने फीस भी ज्यादा नहीं रखी, क्योंकि कोरोना की वजह से सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इस कोर्स का फीस तो वैसे 15,000 है, बट अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने 5,000 कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम भी लोगों ने बोला था सर अफोर्डेबल नहीं है इस टाइम पे, तो मैंने कहा ठीक है अभी 5,000 इज होगी। 5,000 में ना केवल मैं स्टैटप्रो आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टैटप्रो के साथ आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ कि देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, और इस तरीके से मैनुअल्स जाते हैं, मैनुअल प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, पूरा SFD BMD मैनुअल देखो, सेवा सॉफ्टवेयर पे देखो, आप कंपैरिजन करो किस तरीके से चेंजिंग आती है, बिल्डिंग को मैनुअली देखो और सॉफ्टवेयर से देखो, सिस्मिक एनालिसिस मैनुअली करो और सॉफ्टवेयर से करो। मेरा ये कॉम्बिनेशन रहता है कि स्ट्रक्चर प्लस स्टैटप्रो को मिक्स करके मुझे आपको कंटेंट देना होता है, और मैं हमेशा ही वैसा कंटेंट देता हूं, इसीलिए मैं खुद को यूनिक बोलता हूं और मैं खुद यूनिक करना चाहता हूं। आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं जल्दी से जल्दी फ्राइडे को जुड़ जाइए, एक बार अगर आप जुड़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि यार मैं सही जगह पहुंच गया, जहां पे ना केवल सॉफ्टवेयर के टूल यानी कैलकुलेटर पढ़ाया जाता है, कैलकुलेटर के साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि आप सबके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका मैनुअल स्ट्रांग रहेगा, जब बेसिक्स आपका स्ट्रांग है, कोई आपसे पूछेगा आप चुटकी में उसको आंसर करोगे यार ये रीजन है, इसकी वजह से आपका बीम फेल कर रहा है, क्यों, क्योंकि डिफ्लेक्शन आपका यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। आप बोलोगे सर डिफ्लेक्शन के बारे में कैसे मुझे पता चलेगा, तो मैं IS 456, IS 800, IS 875 में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको स्पेशल इसी कोर्स के अंदर डिस्कस करता हूं कि देखो ये चीजें आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें आप पढ़ोगे, तो उतनी चीजें जो जो डिस्कस करने इंपॉर्टेंट होती है उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जिससे आपके साथ वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कोर्स को ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके आप देखिए कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या करते हैं, और अच्छी बात होगी कि आप पहले सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कहां पर जाने वाले हैं। प्रॉपर मैनुअल और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन इस कोर्स में मैं देने वाला हूं, जल्दी से बुक कर लीजिएगा, और सीट फुल होने के बाद आप मुझे मत बोलिए, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि लगभग 6-7 लोग रह गए थे। इस बार पहले से अनाउंस कर दिया है, क्योंकि फ्राइडे अभी काफी टाइम है, तो आप अपने हिसाब से अरेंज करके मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए और सिलेबस को देखिए, फिर डिसाइड करिए, क्योंकि आप लोग घर पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो नया यार सीखना पड़ेगा। आप साइट इंजीनियर है तो कब तक साइट इंजीनियर बने रहेंगे, कभी ना कभी आपको डिजाइनिंग में जाना पड़ेगा, अगर आप डिजाइनिंग में है आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको स्ट्रक्चर के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो ये सब मैंने सोच के उसके अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है। इसमें ये कोर्स उनके लिए भी फायदेमंद है जिन्होंने स्टैटप्रो कर रखा है, और उनके लिए तो डेफिनेटली है जिन्होंने अभी सीखा ही नहीं है, जिन्होंने सीखा है उनके लिए फायदा ये होगा कि उनको मैनुअल्स उनका क्लियर हो जाएगा, और जिन्होंने इसको सीख रखा है मतलब अभी सीखा ही नहीं, उनके लिए मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाला हूं इस कोर्स में। तो ये कोर्स लगभग 30 डेज का चलेगा, 30 डेज में क्लियर नहीं होता तो मुझे वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसको 35-40 डेज भी लेके जाता हूं, क्योंकि
मेरा मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपका सेटिस्फेक्शन, अगर आप सही से सीख गए तो वही मेरे लिए रिजल्टेंट है, क्योंकि मैं आपसे रिव्यू भी लेता हूं कि मैंने कैसा सिखाया आपको। तो ये मेरी कोशिश है। तो सिलेबस को मैं डेली 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ, 1.5 घंटे हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, उसके साथ ही साथ हम लोग इसको इसमें जो जो कोर्स लेते हैं उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो भी मैं आपके साथ सेंड करता हूँ। और जो पर्सनल आपको मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आप स्ट्रक्चर के क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, वो सारी चीजें स्टडी मटेरियल बेस में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो एक बार जुड़िए। और ये 15,000 का कोर्स अभी सिर्फ 5,000 में मिल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा जल्दी जल्दी से बुक कर लो यार, क्योंकि कोरोना के बाद तो मैं इसको वही प्राइस रहेगा जो इसका रियल प्राइस है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार इसको लोगों के साथ शेयर कर देना। जितने भी आपके दोस्त स्टैट प्रो के लिए इंस्टीट्यूट खोज रहे हैं, मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूँ जिस कंटेंट को आप प्रैक्टिकली और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन करके सीखोगे। और साथ ही साथ दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपके साथ कि अगर आप लोग कागज की डिग्री के भूखे हैं कि सर्टिफिकेट, वैसे मैं सर्टिफिकेट देता हूँ बट सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आने वाले, सीखने के लिए नहीं आने वाले, प्लीज मत आइएगा, मैं सिखाऊंगा ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को ही सिखाना चाहता हूँ डेडिकेटेड, जो है जो स्टैट प्रो सीखना चाहते हैं, क्योंकि 15 सीट तो ऐसे ही मेरी फील हो जाती है। तो जो लोग सर्टिफिकेट के लिए एक दिन आए और प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो सीधे लास्ट दिन आए कहेंगे सर सर्टिफिकेट दे दीजिए, मत आना यार मुझे नहीं चाहिए। जो सच में डेडिकेटेड है, जो सच में स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हैं, IS 456, IS 800, IS 875 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि पूरी प्रोजेक्ट को, मतलब हमारा अगर कोई हमने खुद का ऑफिस डाला है उसमें क्या क्या सीखना है, तो वो सारी चीज अगर आपको समझना है तो इस कोर्स को खरीद लो, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं खुद लाइव आ रहा हूँ और लाइव में आपको सिखाऊंगा। और ये मेरी ऑलरेडी 5 से 6 बैचेस चल रही है, बट ये न्यू बैच मैंने, क्योंकि एक बैच मेरी फिनिश होने वाली है तो उसके जगह पे मैंने न्यू बैच लॉन्च किया है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, और साथ ही साथ जैसे सपोर्ट कर रहे हो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बहुत कुछ मैं सिविल के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में सिखाने वाला हूँ, आपको ज्यादा खर्च नहीं करना है, सिर्फ घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है और स्टडी मटेरियल जो भी दूंगा उसको पढ़ना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।